देहरादून में गढ़वाल आयुक्त के कैंप कार्यालय में होगी संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे मीटिंग होने वाली है। परिवहन सेवाओं को लेकर आज होने वाली बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। डीजल से चलने वाले वाहनों को लेकर भी कोई बड़ा फैसला आज की बैठक से निकल के बाहर आ सकता है। ये बड़ी जानकारी है। सुबह 11 बजे गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है। परिवहन सेवाओं को लेकर आज होने वाली बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये जानकारी है। अब आइए आगे बढ़े। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में संतों ने किया फिल्म आदि पुरुष का विरोध और हरिद्वार में संतों ने बैठक करके फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग की है, प्रतिबंध लगाने की मांग की है। निर्माता निर्देशक के साथ साथ सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई की भी मांग संत कर रहे हैं। साधु संतों का आरोप ये है कि फिल्म आदि पुरुष रामायण का अपमान करती है और इसीलिए केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध इस फिल्म पर लगा देना चाहिए, ये साधु संत कह रहे हैं। हरिद्वार में संतों की बैठक हुई आदि पुरुष फिल्म को लेकर और संतों ने सीधे कहा है कि इस फिल्म पर बैन लगनी चाहिए। सारा दोष सेंसर बोर्ड का है। जब फिल्म वहां से सेंसर हो रही है तो अधिकारी पैसा खा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको सख्ती पर ध्यान देना चाहिए। सेंसर बोर्ड के ऊपर सख्ती सरकार को करनी चाहिए। जो भी प्रोसेस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर अंकुश रखना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनको इसके ऊपर अंकुश रखना चाहिए। अनुराग ठाकुर जो उसको विभाग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। आज बड़ी जानकारी यह है कि उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सौगात मिलने वाली है, लेकिन ये खबर आपने सुनी। लेकिन उससे पहले केदारनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें कि सारे रिकॉर्ड पुराने टूटने वाले हैं। लगातार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं केदारनाथ यात्रा में और ये कहा जा रहा है कि 10 लाख की संख्या पार हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। 57 दिनों का ये आंकड़ा है और 57 दिनों में आप सोचिए 10 लाख के पार तीर्थयात्री। पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर आ चुके हैं 57 दिनों। केदारनाथ यात्रा में यह खबर आपने देखी। अब कर्णप्रयाग की बात कर लें। कर्णप्रयाग में बारिश थमने से लोगों को राहत मिली है। रात भर तेज बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह के वक्त मौसम काफी सुहाना यहां पर रहा। बारिश बंद होने से यात्री खुश दिखाई दिए। मसूरी से खबर है। मसूरी में देहरादून मार्ग पर बड़ा हादसा टला के ITBP लाइब्रेरी गेट के पास अनियंत्रित होकर के बस पलटी और बस सड़क की दूसरी ओर जाकर के पलट गई। पेड़ की वजह से खाई में गिरने से बाल बाल बची है बस। हादसे में कंडक्टर और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मसूरी में एक बार फिर बस हादसा यहां पर हो गया है। इस समय हम ITBP गेट पर खड़े हैं और यहां पर पूर्व में भी एक बस हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें बची थी, परंतु आज एक बस हादसा यहां पर हो गया। एक बस अनियंत्रित, जो प्राइवेट बस बताई जा रही है, वो ITBP गेट के पास यहां पर नीचे ITBP की दूसरी सड़क पर जा गिरी है। गनीमत रही कि पेड़ थे जिस वजह से ये बस खाई में नहीं गिरी है। इसमें सवार कंडक्टर और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मसूरी पुलिस, ITBP के जवान और यहाँ पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है और यहाँ पर घायलों को अब कहीं ना कहीं अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो कमांडेंट हैं ITBP के असिस्टेंट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।